नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इसे कहते हैं मीनार से गिरे चूल्हे पर पटके, यानी दुनिया के सामने न रोना काम आया और न भीख मांगने के नुक्ते काम आए। विश्व बैंक ने 20 करोड़ डॉलर की मदद देकर पाकिस्तान से पीछा छुड़ा लिया तो चीन ने कोई आर्थिक सहायता ही नहीं दी। विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान, भारत सहित 25 देशों की मदद करना तो एक जिम्मेदारी है, मगर चीन जानता है कि अगर मदरसा पैदा इसको कर्ज दिया गया तो उसे लौटाने की हालत में वह नहीं है। इसलिए बीमारी से लड़ने के लिए कुछ मास्क और पीपीआई देकर वह चलता बना। विश्व बैंक से मिले 20 करोड़ डॉलर भी पाकिस्तान के लिए बच्चे के हाथ में ठन्नी साबित हुए। 22 करोड़ की आबादी को राहत देने के लिए इमरान खान को 6 अरब डॉलर की तत्काल जरूरत है, मगर उसे कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके नतीजे भी अब पाकिस्तान में दिखाई देने लगे हैं। जनता भुखमरी की दहलीज पर खड़ी है। चारों सूबों में जारी लॉकडाउन ने उसे पस्त कर दिया है। हालत यह है कि यहाँ कभी भी जनता सड़क पर उतर सकती है, मगर इस सबसे बेफिक्र इमरान सरकार कब्रिस्तान बनाने के ठेके जारी कर रही है। गरीब तबका जो लंगर खानों से खाली लौट रहा है, विद्रोह का बिगुल बजा सकता है। खासतौर पर इमरान की खिलाफत करने वाले मुल्लाओं ने इन लोगों को मजहब के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया है। यानी इस मदरसा मुल्क में जंग भूख और वायरस से ही नहीं है, बल्कि गद्दी के लिए भी यह संघर्ष छिड़ सकता है। कल पाकिस्तान में हुई मौतों में 11 मौतें वायरस से हुई है, जबकि 5 लोग भूख की वजह से मारे गए। एक व्यक्ति ने राशन नहीं मिलने की वजह से वजीर आजम हाउस के सामने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इमरान के कोठे के सामने यह पहला खुदकुशी का मामला है। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मरने वाला टोपीबाज इमरान की ही पार्टी तहरीके इंसाफ का कार्यकर्ता था। पाकिस्तान की 42% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे पड़ी हुई है। यह लोग दिन भर में जितना कमाते हैं उससे उसी दिन का गुजारा होता है। इस तबके के लिए सरकार ने 6,000 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर खोले हुए हैं। रोजगार खत्म होने के चलते वे जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। सरकार भी इन तक पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं पहुंचा पाई है। ऐसे में गरीबी में गुजर करते इन लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भूख से मरते इन लोगों के बारे में मीडिया और स्वयंसेवी संस्थाओं को मौन रहने के लिए बोला गया है, पर कल वजीर आजम हाउस के सामने हुई खुदकुशी ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। अब कहा जा रहा है कि घरों में कैद सैकड़ों लोग मुफलिसी में दम तोड़ चुके हैं, मगर सेना जानबूझकर पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। कराची में बनाए गए कब्रिस्तान पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भूख से मरने वाले 40 से अधिक कराची के ही वासिंदे थे, जिन्हें नशे का आदि बताकर सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है। यानी मदरसा पैदाइश जहां वायरस से जिंदाबाद है, वही भुखमरी इनके तोते उड़ा रही है। रोकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के गोदामों में अनाज लगभग खत्म होने की कगार पर है, जिसके बाद यहां पर हाहाकार मचने की संभावना बढ़ गई है। पाकिस्तान को 5 लाख टन गंदुम की जरूरत है, मगर आपात स्थिति को देखते हुए सभी मुल्क अपने भंडारण को सुरक्षित किए हुए हैं। सब्जी और दालों की किल्लत से तो पाकिस्तान को पहले ही जूझना पड़ रहा था, अब अनाज का खत्म हो जाना उसकी मुश्किल को और बढ़ाएगा। पाकिस्तान में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,745 हो चुकी है, जबकि 48 पाकिस्तानी हुरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इमरान खान ने 24 मार्च को 200 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, मगर खजाने में पैसा नहीं होने के चलते वह जारी ही नहीं हो सका है। हालत यह है कि इमरान के सारे दावे हवावाई साबित हुए। पाकिस्तान में यह बीमारी तीसरी स्टेज में चल रही है, पर अब स्थिति को देखते हुए लगता है कि यहां हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। यानी चौथी स्टेज के दरवाजे पर खड़ा पाकिस्तान अभी तक ऐसे कारगर कदम उठाने में नाकाम रहा है जिससे इस बीमारी के प्रसार पर काबू होता दिखाई दे। चीन से आया 8 डॉक्टरों का दल वापस जा चुका है। जो सहायता चीन से आई थी वह ऊटनी के मुंह में धनिया साबित हुई है। एक तरह से चीन ने भी पाकिस्तान के हालातों से घबराकर पूरी तरह किनारा कर लिया है। पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अमीर देशों के आगे गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ है। अब अगर कोई कहे कि पाकिस्तान ने सार्क फंड में पैसा क्यों नहीं दिया तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। जब खुद ही पिछवाड़े पर कैक्टस उगे हुए हो, वह दूसरों को चमेली के फूल कहां से देगा। वैसे यह बात निश्चित है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम जरूर है। जिन्हें यकीन नहीं है वह भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी झोपड़ों में मौजूद लोगों और वजीर आजम हाउस के सामने खुदकुशी करने वाले से जरूर पूछ सकते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।